और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर कोरोना ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना ने सरकार की आर्थिक मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 350 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोरोना बेकाबू नजर आ रहा है। जी हां, एक व्यक्ति के इलाज में 45,000 रुपए का लगभग खर्च आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना ने आर्थिक संकट सरकार के लिए पैदा कर दिया है। 350 रुपए खर्च करने के बाद भी 350 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोरोना बेकाबू हो गया है। आपको बता दें, एक व्यक्ति के इलाज में तकरीबन 45,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अक्टूबर के आखिर में ये दुगना हो सकता है संक्रमण खर्च को लेकर सरकार को अब चिंता सताने लगी है। प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं वहीं 81,000 केस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से कोरोना ने बढ़ाई है सरकार की आर्थिक मुश्किलें। 350 करोड़ खर्च करने के बाद भी कोरोना संक्रमण बेकाबू नजर आ रहा है। एक मरीज के इलाज में करीब 45,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। अक्टूबर के आखिरी तक दुगना हो सकता है यह संक्रमण और खर्च को लेकर अब सरकार को भी चिंता सताने लगी है। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक 81,000 केस सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, कोरोना संक्रमण ने अब सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। एक व्यक्ति पर 45,000 रुपए खर्च होता है, 350 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोरोना को काबू में नहीं किया जा सका। देखिए, इसमें तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कोरोना के चलते तमाम तरह के जो राजस्व के साधन है सरकार के या आय के साधन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। चाहे हम परिवहन की बात करें, परिवहन ठप रहने के चलते जो टैक्स है, जो राजस्व परिवहन से आना चाहिए था वो नहीं आया। दूसरी तरफ सरकार को जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स अड़े हुए थे, बस चालक अड़े हुए थे कि कोरोना काल का जो उनका टैक्स है वो माफ होना चाहिए, सरकार ने वो टैक्स माफ कर दिया। दूसरी तरफ आबकारी को लेकर अगर हम बात करें, सेम यही स्थिति आबकारी की रही है। आबकारी से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को प्राप्त होता रहा है। तो आपका जिस तरह से शराब दुकानें लगातार बंद रही, ठेकेदार दाम बंद हुए और वो भी कहीं ना कहीं हड़ताल पर गए, तो इसके चलते भी सरकार का भारी नुकसान इसमें हुआ है। दूसरी तरफ खनन की बात करें, हम खनिज की बात करें तो वो भी लगातार कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है। तमाम सारे सेक्टर हैं जो कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है और यही कारण है कि सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है कि राजस्व कैसे आए, कैसे सरकार की आय बढ़े, कैसे सरकार का खजाना बढ़े। ऐसे भी अगर सरकार की वित्तीय स्थिति की हम बात करें, लगातार ये सवाल बड़ा सवाल रहा है। हमने 2018 चुनाव के बाद से फिर कमलनाथ सरकार बनी उस वक्त भी देखा, जिस समय कहा गया कि खजाना काली है। अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खजाना की स्थिति सेहत ठीक नहीं है। हालांकि वो ये लगातार दावा करते आए हैं कि किसी भी सेक्टर पर कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। अभी अतिवृष्टि, भारी बारिश से किसानों की जो फसल है वो खराब हुई है, कहीं ना कहीं ये भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती और चिंता है। दूसरी तरफ जिस तरह से अगर बात की जाए कि अभी फिलहाल जो वित्तीय स्थिति है कि कोरोना से जो आर्थिक मुश्किलें बढ़ी है, 350 करोड़ खर्च करने के बाद कोरोना संक्रमण अभी भी बेकाबू है और 81,000 अभी तक मरीज आ चुके हैं और ये आंकड़ा 1,00,000 के ऊपर जा सकता है और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो बहुत जल्दी ये आंकड़ा डबल भी हो जाएगा। अब तक सामने आए 81,000 केस, तो कुल मिलाकर यही है कि एक मरीज के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं पर 43,000 से 45,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। सरकार को आशंका अक्टूबर अंत तक संक्रमण दोगुना होने को लेकर है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तब खर्च बढ़कर 450 करोड़ रुपए पहुंचेगा। केंद्र ने 185 करोड़ रुपए दिए तो मध्य प्रदेश के 165 करोड़ लगे। 100 करोड़ के उपकरण खरीदे गए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश, अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें,
पूरे देश की तरह ही मध्य प्रदेश में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, धीरे धीरे उसको दुरुस्त किया गया। प्रदेश में 5 माह 17 दिन में कोरोना पर सरकारी व्यय का लेखा जोखा सामने आया है। तो कुल मिलाकर यही है कि अब सरकार के सामने चिंता यही है कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जाए और फिर कोरोना पे जो खर्च करना पड़ रहा है, जो फिर हेल्थ सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है, एक तरफ ये चिंता है, दूसरी तरफ तमाम सारे विकास कार्य है। इसके अलावा जो अतिवृष्टि बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, ये सरकार के सामने चुनौती है। साथ ही अभी चुनाव भी है सुमिता, तमाम तरह के की घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, 27 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बड़ी चिंता सरकार के सामने हुए कि इन तमाम कार्यों का एडजस्टमेंट कैसे हो, कैसे इस बोझ को कम किया जाए और कैसे सरकार की आय बढ़े। चुनौतियां जरूर सरकार के सामने है, लेकिन देखना होगा इसका हल किस तरह से निकलता है, कैसे सरकार अपनी आय बढ़ाती है। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जो निश्चित तौर पर कोरोना के चलते, कोरोना के संक्रमण के चलते एक स्थिति जो है निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये दावा कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी सेक्टर में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, सारे जो विकास कार्य है अलग अलग सेक्टर के उन पर लगातार काम होता रहेगा, लगातार उनको विकास कार्य करते रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि सरकार किस स्ट्रेटेजी, किस नई स्ट्रेटेजी के साथ अब कोरोना पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ती है, कैसे हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त करती है, या फिर जो विकास कार्य है वो किस तरह से तेजी या गति पकड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर 350 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कोरोना की जो संक्रमण है वो बेकाबू होता जा रहा है, जिसके चलते सरकार के सामने अब आर्थिक संकट मंडराने लगा है और अब सरकार को इस बात को लेकर चिंता भी सताने लगी है।